नेमर उस खड्डे को एक छलांग में ही पार कर लेता है, मगर वो फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ने की जगह रुककर एक रस्सी की हेल्प से दलदल में फंसे डॉग वीरन को बाहर निकालता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और डॉग मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नेमर। इससे पहले भी हमने कई डॉग मूवीज को एक्सप्लेन किया है, जैसे टोगो, एट बिलो, हाची, कॉल ऑफ द वाइल्ड और भी बहुत सारी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। मूवी शुरू होती है दो बेस्ट फ्रेंड्स और कॉलेज स्टूडेंट सिंटू और कुंजवा से। कुंजवा एक लड़की डोना को लाइक करता है। सिंटू हमेशा उसे अच्छे अच्छे आइडियाज देता है डोना को इम्प्रेस करने के लिए। वो दोनों फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं। उनकी एंटी टीम में होता है एल्बिन और उसके दोस्त, जिनसे कुंजवा लोगों की अक्सर फाइट होती रहती है। कुंजवा के पिता साहू को हमेशा टेंशन रहती है कि कुंजवा आत्मनिर्भर कब बनेगा। दूसरी तरफ सिंटू के पिता चकोला एक शराबी और मस्त मौला टाइप के इंसान होते हैं। एक दिन सिंटू कुंजवा को आइडिया देता है कि तू एक हैंकी पर आई लव यू लिखकर डोना से अपने प्यार का इजहार कर। पर तभी वो लोग देखते हैं कि डोना एक नया डॉगी लेकर आई है। हैंकी वाला प्लान ड्रॉप कर दिया जाता है। सिंटू सजेस्ट करता है जिस लड़की के पास एक डॉगी है वो दूसरे डॉग को भी पसंद करेगी और धीरे धीरे तुम्हें भी पसंद करने लगेगी, इसलिए तुम्हें अब एक अच्छा सा डॉगी खरीदना होगा। डॉगी खरीदने के लिए कुंजवा अपनी माँ को बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और कहता है शहर में कुरुवा गैंग नाम के चोर और लुटेरे घूम रहे हैं जो चेन स्नेचिंग जैसे काम भी करते हैं। जब मैं और पापा घर पर ना हुए तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा माँ, इसलिए हमें एक डॉगी लेकर आना चाहिए। माँ तो मान जाती है, पर जब वो कुंजवा के पिता साहू से डॉगी लाने की बात कहती है वो साफ साफ इनकार कर देते हैं। कुंजवा दुखी हो जाता है। कुंजवा को दुखी देखकर उसकी माँ मिनी को बुरा लगता है। वो कुंजवा को एक एड्रेस पर भेजती है और कहती है वहाँ जाकर कहना तुम्हें मिनी ने भेजा है। वहाँ एक डॉग डीलर होता है जो शायद मिनी का कॉलेज फ्रेंड है। उसके पास बहुत महंगी महंगी और अच्छी अच्छी ब्रीड्स के डॉग होते हैं, पर क्योंकि कुंजवा को तो डॉग फ्री में चाहिए इसलिए वो उसे एक देसी ब्रीड का डॉगी देता है जिसका नाम फुटबॉल प्लेयर नेमर के नाम पर होता है। वो लोग नेमर को घर ले जाते हैं। नेमर काफी नटखट होता है। वो पड़ोसियों की मुर्गियों के पीछे भागता है। एक दिन सुबह सुबह चर्च की चाबी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। नेमर और कुंजवा बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उनमें काफी अटैचमेंट हो जाता है। नेमर की वजह से कुंजवा और डोना में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन फुटबॉल खेलते वक्त कुंजवा के पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। कुंजवा को परेशान देखकर नेमर दुखी होता है और रोज सुबह चर्च जाता है। जब तक कुंजवा खाना नहीं खाता दो दिन तक नेमर भी कुछ नहीं खाता। एक दिन नेमर गलती से खेल खेल में एक पड़ोसी की रिंग निगल जाता है जिसकी वजह से साहू को बहुत एम्बेरेस होना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा भी आता है। घर आकर साहू नेमर को मोटी रस्सी से बांध देता है। अगले दिन फुटबॉल टीम्स की मीटिंग होती है जहां कुछ लोग डॉगी का नेम नेमर यानी फुटबॉल प्लेयर के नाम पर होना गलत है ये बोलकर कुंजवा को टीम से निकाल देने की बात कहते हैं। कुंजवा का साथ देने के लिए सिंटू भी टीम से निकल जाता है। कुंजवा दुखी होता है। उसकी आँख में आंसू देख नेमर दुखी होता है। अगली सुबह दादी नेमर की रस्सी खोल देती है और नेमर सीधा चर्च जाता है। एल्बिन और उसके दोस्त नेमर का पीछा करते हैं और किसी गलत मंशा से उसकी तरफ बिस्किट फेंकते हैं, पर तभी पीछे से कुंजवा और सिंटू आ जाते हैं और एल्बिन और उसके दोस्तों से लड़ाई करते हैं। कुंजवा की हेल्प करने के लिए नेमर भी आगे आकर एल्बिन पर अटैक करता है। एल्बिन के पिता पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो कुंजवा के पिता साहू को भी बुरा भला कहते हैं। साहू बहुत दुखी होता है और घर आते ही साहू कुंजवा को बहुत मारते हैं। नेमर जब कुंजवा के पास आने लगता है कुंजवा रोते रोते उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। उसी रात साहू नेमर को एक ट्रक में कहीं दूर भेज देता है। कुंजवा और सिंटू बहुत कोशिश करते हैं पर नेमर कहीं नहीं मिलता। कुंजवा बहुत दुखी होता है और उसे मिस करता है। एक रात सिंटू कुंजवा को बताता है कि मैंने पता लगाया है कि नेमर को ट्रक वाले ने पांडिचेरी गांधी की मूर्ति के पास छोड़ा है। अब कुंजवा और सिंटू रात की बस से पांडिचेरी जाते हैं।
साहू कुंजवा को बिल्कुल ढूंढने की कोशिश नहीं करता। सिंटू जाते जाते एक चिट्ठी लिखकर गया होता है। उन लोगों को मोबाइल लोकेशन से पता लग जाता है कि सिंटू और कुंजवा पौंडीचेरी गए हैं। अब पौंडीचेरी में वो दोनों नेमर को बहुत ढूंढते हैं, यहाँ तक कि उनके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। बीच के पास खाने का ठेला लगाने वाली एक लेडी उन्हें भूखा देखकर रात को खाना खिलाती है और अगले दिन से वो लोग उनके साथ काम करने लग जाते हैं और नेमर की खोज भी साथ के साथ जारी रखते हैं। एक दिन स्केच बनाने वाले के पास उन्हें नेमर का एक स्केच दिखता है और उन्हें पता चलता है कि नेमर किसी पीली गाड़ी वाले के पास है। वहीं उन्हें नेमर का लगा एक पोस्टर दिखता है और उन्हें सवाल पेट मुकाबले के बारे में पता चलता है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ कई तरीके के कंपटीशन होते हैं। वहीं डॉग गेम देखने जाते हैं और उन्हें नेमर दिख जाता है, पर नेमर वहाँ के डॉन माने जाने वाले इंसान गबरी के पास होता है। अब वो दोनों नेमर का पीछा करते हुए गबरी के घर तक पहुँच जाते हैं नेमर को छुड़वाने, पर वो दोनों पकड़े जाते हैं। गबरी कहता है कि नेमर को हमने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करवाना है, इसीलिए तुम दोनों यहाँ रुको 20 दिन तक, जब तक कंपटीशन ख़त्म ना हो जाए। नेमर की ट्रेनिंग शुरू की जाती है। फिर चिंटू और कुंजवा को पता लगता है एक डॉग टूर्नामेंट, चार्ल्स मोरेट टूर्नामेंट के बारे में, जो साल में एक बार होता है। किसी ज़माने में गबरी के पास 6-7 डॉग ब्रीड्स थे। सुल्तान उनमें से एक था जो हर साल विनर रहता था। गबरी का शागिर्द था वेंकट। वेंकट ने गबरी को डबल क्रॉस किया और उकसाया कि वो सुल्तान पर ही दाव लगाए, और इस बार सुल्तान दबाव में खेलने की वजह से हार जाता है। सुल्तान को आज़ाद करवाने का ये आखिरी मौका है। अगर नेमर जीत गया तो गबरी को उसका डॉग वापस मिल जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने की वजह से गबरी को अच्छे डॉग ब्रीड्स के साथ पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं है। बस नेमर ही आखिरी उम्मीद है। अब कुंजवा के पिता साहू और उनके दोस्त थॉमस भी बच्चों को ढूंढने पौंडीचेरी के लिए निकलते हैं। सिंटू के पिता चाकोला भी उसी बस में होते हैं। साहू और चाकोला में बिल्कुल नहीं बनती, पर एक जमाना था जब वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। उधर टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। वहाँ सब बेहतर डॉग्स होते हैं। वेंकट का डॉग वीरन, जो पिछले 3 सालों से विनर है। वेंकट गबरी को टॉन्ट करता है कि आपके देसी डॉग के जीतने के कोई चांसेस नहीं लगते। वेंकट चीटिंग करने की कोशिश करता है, पर नेमर किसी तरह फर्स्ट राउंड पार कर ही लेता है, क्योंकि गबरी ने उसकी अच्छी ट्रेनिंग की थी। उधर हमें पता चलता है कि साहू और चाकोला में इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो दोनों एक मूवी देखने गए थे। किसी ने चाकोला को बताया कि साहू के पिता बीमार हैं, पर चाकोला ने मूवी देखने के चक्कर में साहू को ये नहीं बताया और मूवी ख़त्म होने तक साहू के पिता की डेथ हो गई। तब से वो नाराज है। अब 5 डॉग्स सेकंड राउंड यानी स्ट्रेट रन राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। सही रास्ता ढूंढकर फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचने वाले 3 डॉग्स क्वालिफाई होंगे फिनाले के लिए। इस बार भी वेंकट ने नेमर के रास्ते में बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर दी होती है। आखिरी वक्त में एक मुर्गी का पीछा करते हुए नेमर बहुत ऊंची छलांग लगाता है और इस राउंड को पार करने वाला 3रा डॉग बन जाता है। 3 डॉग्स वीरन, बिल्ला और नेमर फिनाले में पहुंच जाते हैं। गबरी कहता है, कुंजवा नेमर जीते या हारे तुम उसे अपने साथ ले जा सकते हो। अब फिनाले का दिन आ जाता है। वेंकट नेमर को किडनैप करने की कोशिश करवाता है। येलो वैन नेमर, कुंजवा और सिंटू समेत अगवा कर ली जाती है। उधर कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है, तभी रास्ते में नेमर को साहू खड़ा दिखता है और वो उसके पास भाग जाता है। अब साहू, चाकोला और थॉमस मिलकर उन सबको बचा लेते हैं और उनको घर ले जाने की इज्जत करते हैं। तभी वो नेमर कुंजवा लोगों का बोर्ड देखते हैं और सारी बात समझ जाते हैं। अब ऑटो वाला उन्हें कंपटीशन के एरिया में ले जाता है। आखिरी वक्त पर नेमर कंपटीशन में पहुंच जाता है। कंपटीशन के पहले हिस्से में सभी डॉग्स को पिंजरे में बंद किया जाता है और डॉग्स की टीम से किसी इंसान को भागकर वो चाबी लानी होती है, फिर डॉग्स आगे का सफर तय करेंगे। नेमर की टीम से सिंटू भागता है
और दूसरी टीम मेंबर पॉन्डिचेरी एक्सप्रेस से भी आगे निकल जाता है। थोड़ी आगे चलकर बाकी दोनों डॉग्स नेमर से आगे निकल जाते हैं। एक जगह नेमर वेट कम होने की वजह से सीसॉ में अटक जाता है। नेमर दिमाग लगाकर जंप करता है और सीसॉ नीचे आ जाता है। आगे पजल गेम्स होते हैं जहां से नेमर सबसे पहले बाहर आता है, मगर उसके बाद आग से जंप करना होता है। नेमर डर जाता है, विरन जंप कर जाता है, फिर कुछ सोचकर लंबी दौड़ लगाकर नेमर आग से जंप कर जाता है। लास्ट स्टेप में डॉग्स को एक दलदल का खड्डा पार करना होता है, जहां वेंकट का डॉग जंप करते हुए उस खड्डे में गिर जाता है। वेंकट का साथी कहता है, हमें हेल्प बुलवानी चाहिए। वो डॉग बेचारा खड्डे में गिर गया है, पर वेंकट गुस्से में वहां से उठकर चला जाता है। नेमर उस खड्डे को एक छलांग में ही पार कर लेता है, मगर वो फाइनल पॉइंट की तरफ बढ़ने की जगह रुककर एक रस्सी की हेल्प से दलदल में फंसे डॉग वीरन को बाहर निकालता है। वीरन बाहर आकर देखता है कि उसका ओनर तो वहां से चला गया, इसलिए वो गेम क्विट कर देता है और नेमर जीत जाता है। गबरी को उसका डॉग सुल्तान वापस मिल जाता है। सिंटू और बाकी सब घर जाते हैं और जाते जाते सिंटू उस बीच वाली आंटी को एक फूड प्रोसेसर लाकर देता है, क्योंकि सिंटू ने देखा था सब्जी काटते वक्त उनकी उंगली कट जाती थी। साहू और नेमर भी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।